हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत छोटी छोटी मछली जो होती है उनको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। जितनी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं उनको क्लीन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनमें फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें इसको ट्रेडिशनल मेथड से क्लीन किया जाता है जो कि बहुत ही आसान है, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर आप जो मछली देख रहे हैं उसका नाम है चिंगरी मछली, जो कि मेरे गाँव का भी नाम है। यहाँ पर आप जो मछली देख रहे हैं उसको हमने साइड से हल्का कट दिया है और वेस्ट मटेरियल वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल लिया है, तो इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। और यहाँ पर उसका हेड हमने अलग नहीं किया है, आप चाहें तो अलग भी कर सकते हैं। कई लोग हेड को अलग करना पसंद करते हैं और कई लोग हेड के साथ पसंद करते हैं, हमें दोनों ही पसंद है, इसीलिए हम ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करते हुए उनको हेड के साथ ही रखे हैं। तो ये तो बात हुई थोड़ी बड़ी मछली के बारे में, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आप अंदर देखेंगे उसके हमने थोड़ा भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जितनी मछली है उतनी ही है उसमें, ना ही हमने कट दिया है ना ही उसका हेड कट किया है। तो हम उसे अब वॉश करना देखते हैं कि उसे हम 2 मिनट में आसान तरीके से कैसे वॉश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी मछली को क्लीन करने के लिए हमें उसमें मिलाना होगा बहुत सारा चावल का आटा। चावल के आटे में जो फिसलन है वो पूरी दूर हो जाती है और जो मछली है वो इतना अच्छा चिकना हो जाता है, आप रिज़ल्ट में बाद में देखेंगे। तो हमने जो छोटी मछली है उसे अच्छे से चावल आटा में मिला के उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद उसे पानी से 3-4 बार धो के जो चावल आटा है उसको बाहर निकाल के फेंक देंगे, उसके साथ जितनी भी गंदगी होगी वो भी बाहर निकल के फेंका जाएगी। ऐसा आप छोटी मछली के साथ ही नहीं, जितनी भी बड़ी मछलियाँ होती है उनको हम कट करके घर पे लेके आते हैं, उनको भी आप चावल आटे से ऐसे ही बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर चावल आटा की जगह आप और कुछ और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी जगह आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी वो जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं वो सब पानी में धुल के बाहर आ जाते हैं और गंदगी का नामो निशान तक मिट जाता है। तो होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और हाँ पसंद आई है तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू, बाय बाय।